हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्यामास मेकओवर। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं केस स्टडी। अगर आपके पास कलर आ जाता है ऐसा, अगर आप देखोगे राइट या लेफ्ट में एक पिक्चर आ रही होगी, आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? यू नो वट, इन दीज डेज वी हैव ऑनलाइन क्लासेज गोइंग ऑन, नाइन्थ बैच इज गोइंग ऑन। जी हाँ, हम लोग क्लासेस में सीख रहे थे कि अगर, क्योंकि क्लाइंट कंसल्टेशन पॉइंट था, क्लाइंट कंसल्टेशन में एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेंट थे, एक स्टूडेंट जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट थे, मतलब एक हेयर स्टाइलिस्ट था और एक क्लाइंट था। इस तरह हम लोग एक स्टडी कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में कि हाँ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँ, सो दैट यू कैन वॉच एंड लर्न। अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास भी आ गया तो आप क्या कर सकते हो। बहुत ही ईजी है ये टेक्निक्स कि यू नो, कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप प्री लाइटनिंग ही करना है, नोबली शेयर कलर भी कर सकते हो। ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे नोबली शेयर कलर ऐसे कौन से शेड्स पे कर सकते हो, ऐसे कौन से कलर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दिए हुए पिक्चर को देखेंगे और हम सीखेंगे कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास क्लाइंट आ गया और कलर चेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको क्या कलर दे सकते हो। उनका जो डिज़ायर कलर क्या था, चॉकलेट ब्राउन था या उनका हाईलाइट्स या फॉलियर्स टेक्निक क्या था, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइज, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जी हाँ, इन दीज डेज वी हैव ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन जहाँ पे हम ये केस स्टडीज करते हैं। तो अगर पिक्चर में अगर आप देखोगे विच वॉज लाइक ऑल अबाउट यू नो, अगर आप देखते हो कि वो पिक्चर अगर आपने देखी जहाँ पे गोल्डनिश येल्लो ऑरेंज इफेक्ट दे रहा था, 7 लेवल का कहीं अंडरकोट नज़र आ रहा था, कहीं 8 लेवल का अंडरकोट नज़र आ रहा था। जी हाँ, यही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं आज कि आप ऐसे सिचुएशन अगर आपके पास आ गया, क्लाइंट अगर ऑलरेडी बालों में लाइटनिंग है, अगर आप यहाँ पे देखते हो लेंथ में ऑलरेडी लाइटनिंग दिख रही है, ठीक है, लाइट है अगर लेंथ, तो उस सिचुएशन में आप प्री लाइटनिंग क्यों करोगे, आप सोचो, है ना। तो आप कुछ ऐसा कलर लो जिससे वो प्री लाइटनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे राइट हैंड साइड में एक नंबर है 9871369576, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और सीखिए एंड ग्रो कीजिए। यहाँ पे देखिए, लेट्स स्टार्ट। ग्रे जो है उनका 20% ग्रे है, रूट्स एरिया में ही सिर्फ वो ग्रे रूट टचअप करती है। लेंथ जो है उनका वो है हाईलाइट्स, लेंथ में हाईलाइट्स है, वो क्या शेड्स नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बताया, येलो ऑरेंज टाइप। डिज़ायर शेड है उनका गोल्ड, अब उनको गोल्डन ही चाहिए, आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, उनको गोल्डन ही चाहिए। अगर इफ़ शी इज़ सेइंग कि मुझे कुछ और कलर चाहिए होता, देन मैं थोड़ा सा टेक्निक और थ्योरी चेंज करती, बट शी वॉन्ट गो फॉर अ डिज़ायर शेड। क्या है उनका DS, मतलब डिज़ायर शेड है हाईलाइट्स या जो भी टेक्निक्स फॉलिया जो मैं सिखाती हूँ आप लोगों को, वो है गोल्डन, उनको गोल्डनिश टिंट चाहिए। सो ये हमारी यू नो बैच में जर्मनी से इन्होंने ज्वाइन किया पल्लवी जी, तो एक्चुअली क्लास में मैंने उनका उनका नेम राइट डाउन किया था, सो दैट वो बाद में भी देख सकते हैं कि अगर उनको कलर चेंज करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने सिखाया यहाँ पे 9000S, जिस आपको अगर पता होगा कि ये कलर क्या है, है ना, ये है इस कलर का अगर हम बात करते हैं, ये है। सो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस कलर के बारे में बात करते हैं, तो इस कलर में क्या है, इस कलर में है एक्स्ट्रा लाइटनिंग कॉस्मेटिक, जो कि अगर येलो ऑरेंज टोन जो अगर आप स्क्रीन पे देखते हो उसके ऊपर इजीली वो आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 9000S+20 volume लिया, बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करना इसलिए 20 volume लिया। अगर आप चाहे थोड़ा और ज़्यादा लिफ्टिंग तो 30 volume ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फॉइलिंग करना है कोई भी टेक्निक, हाईलाइट्स कर सकते हो, फॉलियाज कर सकते हो, इस तरह से, राइट। तो ये आपका हो गया क्लासिक सेक्शन, ये रेडियल सेक्शन पार्ट डिवाइड किया और यहाँ पे बैक साइड से पहले लेफ्ट साइड, बैक साइड से राइट साइड, फिर फ्रंट का लेफ्ट, फ्रंट का राइट। तो बैक साइड से अगर आप लेफ्ट साइड करोगे फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। तो डायगनली मैंने कोई भी सेक्शन लेके फिर 9000S20 volume में मिक्स करके मैंने इस कलर को किया। तो मतलब सेक्शनिंग जब आप करते हो, आपको मतलब कोई भी स्टाइल आपको पसंद है, आपको हाईलाइट्स करना है, आपको फॉलियाज करना है, आपको मतलब कोई भी करना है, हाईलाइट्स एंड फॉलियाज कर सकते हो, मतलब फॉइलिंग के अंदर होना चाहिए कुछ भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि हमें ग्लोबल भी तो करना है भाई, इसीलिए, ठीक है। अब हम आते हैं, पूरा एप्लीकेशन कर दिया, फॉइलिंग को, फॉइल को कवर कर दिया 9000S+20 volume के साथ, अब क्या करना है, अब हम आते हैं रूट टचअप। जी हाँ, उसके बाद तुरंत TTI, मतलब ये है कि रूट टचअप करना है। रूट टचअप आपने करना है
20% ग्रे है, ऑफ कोर्स 20% ग्रे है. इनका डिजायर शेड जो है हाइलाइट्स था, पर इनका चॉकलेट ब्राउन भी था. इनका ग्लोबल जो था वो चॉकलेट ब्राउन था. तो मैं यहाँ पे 5.5 राइट ऑन कर लेती हूँ. ठीक है, तो हमने पहले फॉइलिंग कर दी 9000S20 वॉल्यूम के साथ. फिर हमने 20% ग्रे है तो 20% यहाँ पे राइट डाउन किया. फोर नंबर जो है 20% लिया. ठीक है, 80% 5.5 लिया. पहले रूट टचअप किया, फिर दूसरा बाउल लिया. पहले बाउल में हमने फॉइलिंग करी, उस बाउल को हटा दिया. दूसरा बाउल लिया, उसमें रूट टचअप किया, 5.5 मिलाया. रूट टचअप करने के बाद उस बाउल को भी आपने साइड में कर दिया क्योंकि उसमें बेस है. अब हम तीसरा बाउल लेंगे, उसमें हम मिक्स करेंगे 5.5 क्योंकि 7 लेवल का आप अंडरकोट देख सकते हो उस पिक्चर में, राइट. 5.5 प्लस 20 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम के साथ आपने इसको मिक्स कर दिया. आप चाहो तो इसके अंदर, क्योंकि येल्लो ऑरेंज दिख रहा है, तो येल्लो को क्या न्यूट्रलाइज करता है, येल्लो सॉरी ऑरेंज को क्या न्यूट्रलाइज करता है, 0.1. तो आप इसके अंदर कुछ ऐसे शेड ले सकते हो जो न्यूट्रलाइज कर दे 0.1 को, राइट. तो ग्लोबल कलर आपको कंप्लीट 5.5 के साथ आपने इस पूरे ग्लोबल कलर को करना है. ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी अगर चाहो तो 5.15 मिक्स कर सकते हो. थोड़ी क्वांटिटी मतलब 5.15 अगर आप मिक्स करते हो तो 1 से क्या है, थोड़ा बहुत जो उसकी कॉपरिश टिंच है वो भी हट जाएगा बालों से. ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो 5.15 अगर आप लेते हो, लेट्स से कि आप 5.15 लेते हो तो ये तो आप लेना 90% और ये लेना आप 10%. ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि कलर डार्क हो जाएगा फिर. और फिर 20 वॉल्यूम के साथ आपने इसको मिक्स करना है. किसके साथ? 20 वॉल्यूम के साथ. एंड 20 मिनट्स रखा, उसके बाद वॉश कर देना है. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, आपको समझ में आई चीज़. दोबारा से रिपीट करती हूँ. तो क्लाइंट का ग्रे है रूट्स में 20%, एज यू कैन सी द पिक्चर. लेंथ में हाईलाइटनिंग नजर आ रही है ऑलरेडी प्रीवियस कलर. प्री लाइटनिंग क्यों करना है? कई बारी सब लोग प्री लाइटनिंग करते रहते हैं. ठीक है, प्री लाइटनिंग की एक आदत हो गई, आपको एक सेफर साइड लेके चलना है. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ. आप 9000S को 20 वॉल्यूम के साथ एक बाउल में मिक्स करो. 9000S को 30 वॉल्यूम के साथ एक बाउल में मिक्स करो. एक हो जाएगा 20 वॉल्यूम, एक हो जाएगा 30 वॉल्यूम. तो दो कलर पैच टेस्ट के लिए कॉर्नर में लगा के दिखा दो फ्रंट में क्लाइंट को. अगर उनको अच्छा लगता है वो शेड, फिर आप कंटिन्यू करो. फिर आपने क्या करना है, फॉइलिंग करना है पूरा. फिर फॉइलिंग कंप्लीट हो गया, अब आपने दूसरा बाउल में मिक्स करना है. रूट टचअप किया, वही 20% फोर नंबर, 80% 5.5, 20 वॉल्यूम के साथ. फिर TTI कर दिया. TTI मतलब टेक थ्रू इमेज, मतलब रूट टचअप करने के बाद पूरे बालों में आपने TTI कर दिया. 5.5 जो है आपने कितना ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, 5.11 मैंने सॉरी यहाँ पर राइट डाउन कर दिया. अच्छी बात है. डबल वन जो है थोड़ा सा जो न्यूट्रलाइज कर देगा उसके उसका ऑरेंज टिंच को, बस बहुत कम, बहुत ही कम मिक्स करना है. 5% भी मिक्स कर सकते हो नो डाउट. 20 वॉल्यूम के लिए आपने 20 वॉल्यूम में मिक्स करना है, 20 मिनट्स के लिए रखना है. अब यहाँ पे चलते हैं. सो यहाँ पे ये क्या है, ऑरेंज. ऑरेंज को न्यूट्रलाइज क्या कर रहा है, 0.1 ब्लू. इसीलिए तो मैंने यहाँ पे मिक्स किया 5.11. थोड़ा सा 5 क्या है, फिर 1.1 से तो क्या है वो ऑरेंज तो हट जाएगा, लेकिन 5 क्या है आपको पता है ना, बेस डार्क कर देगा पूरा ग्लोबल कलर को. इसीलिए आपने बहुत कम 5% ही मिक्स करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं कट करके इसको 5% लिख देती हूँ. क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें न्यूट्रलाइज ही तो करना है थोड़ा सा, तो ये सारे न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हो आप कलर के साथ. सो गाइज, कैसे लगी आपको ये थ्योरी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके. और इसी तरह हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, आपको पता है मैं लाइव रहती हूँ. इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, जूम पे हमारी क्लासेस होती है, और अभी क्लासेस इज गोइंग ऑन. अगर आप लोग भी चाहते हो सीखना, अगर आप लोग भी ग्रो करना चाहते हो, आप लोग हमारी दिव्य नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. एंड यू विल लर्न मैनी थिंग्स इन द क्लास, बिकॉज क्लास एक ऐसी चीज़ होती है कि क्लास में अगर आप रहते हैं, आप बहुत सारे और भी इन डिटेल्स में सीखते हो. वीडियो के थ्रू तो आप सीख ही रहे हो, वीडियो तो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो बनाती हूँ वीडियो. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को. और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. क्योंकि गाइज क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन क्लिक करते हो, तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाते हैं. आप सोचो अगर ये वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी और इस तरह से भी आप कर सकते हो, सोचो तो कितना बेनिफिट हुआ होगा ये वीडियो, कितना बेनिफिशियल हो रहा होगा आप लोगों के लिए. तो बिगनर्स, वाई आर यू वेटिंग फॉर दैट टाइम, अभी डल सीजन है, ज्वाइन कीजिए. अगर आप लोग भी कलरिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं ग्रो करना, ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस और इस तरह के वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय गाइस, सी यू वेरी सून. बाय.